ताजा घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नीरज विनोद बुराणीज स्पेसक्राफ्ट इंटीरियर्स, योर स्पेस अवर क्राफ्ट. एक्सपीरियंस्ड एंड प्रोफेशनल टीम, नो हिडन चार्जेस, लग्जरियस डिजाइन्स. स्पेसक्राफ्ट इंटीरियर्स, योर स्पेस अवर क्राफ्ट. मैं मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी तरफ से जो डिमांड रखी गई थी कि हमें कैपिटल वैल्यू टैक्स को रद्द करना चाहिए, उस पर आज हमें स्टे मिला है. मैं बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी हमारे सीएम सर को, हमारी एक्स मेयर आई को, क्योंकि मुझे पता चला कि उनके लेटर हेड पे हमको ये स्टे मिला है. और मैं ये भी बोलूँगी कि अभी हमको थोड़ा सा आपने थोड़ा एक पैर हमने आगे बढ़ाया, हमको पूरा चलना सिखाइए, हमें ये मुद्दा रद्द करके दीजिए तो हमारे शहरवासियों को थोड़ा फ़ायदा हो. थैंक यू मैडम. शहर में बहुत जगह एनजीओ है, आम नागरिक है, इसका आंदोलन कर रहे हैं जी, तो इनके सपोर्ट में आप थे? देखिए, हम लोग कॉमन मैन के सपोर्ट में हैं. अगर लोगों की अच्छाई के लिए कोई एनजीओ या कोई भी लोग आगे आते हैं तो हम लोग उसके साथ हमेशा रहेंगे. मैं आपको वही बताना चाहूँगी कि हमने ये डिमांड रखा था कि हम लोग ये कैपिटल वैल्यू टैक्स नहीं भरेंगे, उसके लिए हमने काफ़ी मीटिंग्स की थी, हमने काफ़ी जनों को हम लोग ने काफ़ी फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे कि आप हम ये वैल्यू कैपिटल वैल्यू टैक्स हम लोगों की कैपेसिटी नहीं है भरने की, हमारे जो आम लोग हैं उनकी कैपेसिटी नहीं है. अभी आप देख रहे हैं कि जो बिल्डिंग्स है डेंजरस है, लेकिन लोग स्टिल उसमें रह पड़े हैं जानने के बाद कि डेंजरस है, तो ऑब्वियसली वो लोग अफोर्डिंग नहीं है. तो ये कैपिटल वैल्यू टैक्स हमारे सर पे लाने के लिए हमने ऑलरेडी उसको स्टे, अभी हमको स्टे मिला है. मैं ये होप करती हूँ कि हमको सर ये रद्द भी करके देंगे. थैंक यू. देखिए, ये विषय जब पिछले जून से स्टार्ट हुआ तब हमने व्यापारी संगठनों के साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की तरफ से 14 जून को हमने ये विषय लिया था, और सबसे प्रथम शहर में पहले ये विषय हमने ही लोगों को अवगत कराया था कि इस प्रकार की भांडवली टैक्स यानी कैपिटल वैल्यू टैक्स शहर में लादी जा रही है प्रशासन के तरफ से, और नोटिसेस प्रिंट हो रहे हैं, निकलने वाले हैं. शायद आपने इंटरव्यू लिया था, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वो जो संघर्ष हमने स्टार्ट किया, चालू किया 14 जून से, और जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पंचम कालानी जी ने जो दबाव बनाया, उसका परिणाम स्वरूप ये निकला कि आज वो कैपिटल वैल्यू टैक्स रद्द ही है. इसका श्रेय मैं हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ राव शिंदे साहब और हमारी अध्यक्ष पंचम ओमी कालानी को दूंगा. देखिए, अभी कल ही सरकार के 100 दिन पूरे होने वाले हैं, तो मैं ऐसे कहूंगा कि अपने सरकार शिंदे सरकार के 100 दिन पूरे होने पर उन्होंने उल्लासनगर शहर को दीपावली का एडवांस में तोहफा दिया है, और ये जो कैपिटल वैल्यू टैक्स नाम का रावण शहर के नागरिकों व्यापारियों रहवासियों के ऊपर लादा गया था, जो हुंकार भर रहा था, हर रोज़ कई कई लोगों के पास नोटिसेस जा रहे थे, लोग परेशान थे, भयभीत थे और हमसे राय ले रहे थे, और अफड़ा तफड़ी का माहौल बना हुआ था, तो वो आज समाप्त हुआ. जैसे ही स्थगिति का आर्डर आया है तो मैं इसके लिए हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री और अध्यक्षा को बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी सौगात शहरवासियों को दी है. देखिए, इसमें अभी जो जबकि ये टैक्स को स्टे मिला है, स्थगिति मिली है, लेकिन कॉरपोरेशन ने पुराने हिसाब से बिल नहीं निकाले थे, अभी कुछ कुछ नए हिसाब से बिल जिनको उन्होंने नोटिस दिए थे और जिनकी हियरिंग हो गई थी उनको नए बिल्स दिए थे. तो मैं प्रशासन को भी ये गुहार लगाना चाहता हूँ अपने पक्ष के तरफ से कि वो जो भी नए उन्होंने बिल्स निकाले हैं वो सारे बिल्स भांडवली कर वाले रद्द होने चाहिए, और जो रेटेबल वैल्यू के हिसाब से जो पुराना हमारा स्ट्रक्चर चल रहा था उस हिसाब से नए टैक्स के प्रॉपर्टी टैक्स के बिल शहर में इशू होने चाहिए. और मैं नागरिकों से भी विनंती करूँगा कि जब भी आप पुराने रेटेबल वैल्यू के हिसाब से अपनी टैक्स भरते हैं तो महानगर पालिका टैक्स डिपार्टमेंट से नो ड्यू सर्टिफिकेट अवश्य लें, क्योंकि कभी भी आगे चल के गड़बड़ होती है फिर हमारे नो ड्यू सर्टिफिकेट एक काम की चीज़ रहेगी कि हमने आज तक सारे ड्यूज क्लियर किए, वो आवश्यक है, जरूरी लेना चाहिए, ऐसा मैं सबको बताना चाहता हूँ. धन्यवाद.
हमने पहले दिन से ही लोगों को कहा था, जब से प्रशासकीय राज 4 अप्रैल से कॉरपोरेशन में हुआ है, नगर सेवक तब मादी नगर सेवक बने हैं, तब से प्रशासन ने ये कैपिटल वैल्यू टैक्स लोगों के ऊपर लाद दी, जो हवाला दे रही थी 2010 में नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का है, 2016 की महासभा में इसको स्थायी समिति में पास किए। उस वक्त जब पास की गई थी तो JNRU से एक कंडीशन आई थी, अगर आप कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाएंगे तभी आपको बाहर का फंड जो भी केंद्र है और राज्य सरकार का मिलेगा। उस सिलसिले में ये उस समय कि नगर सेवकों को सही लगा, उन्होंने पास किया, पर उसके दर, उसका कर, उसका क्या मापदंड होना चाहिए, उसके रेट्स क्या होने चाहिए, उसका आकार क्या होना चाहिए, ऐसी कुछ भी स्पष्टता नहीं थी। अधिकारी अब लोगों को कह रहे थे बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से, कि ये नगर सेवकों ने पास किए, वो अपना ठिकड़ा हमारे ऊपर फोड़ रहे थे, जबकि ऐसा कोई भी, हम खुला चैलेंज कर रहे थे, हमने कोई भी ऐसा रेट, कर दर, कोई भी ऐसा 6 साल की रिकवरी या किस तरह का मापदंड रहेगा, रेट्स क्या रहेंगे, हमने कोई तो नहीं किया, उनके पास का कोई जवाब नहीं था। और हमने खुला लोगों को बोला था, जब से नोटिस निकलने लगे, बिल निकलने लगे, आप इसको मत भरो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कालानी परिवार की तरफ से, हम खुला लोगों को बोल रहे थे, लोगों के हमारे पास सैकड़ों फोन आते थे, कार्यालयों में आते थे, हम खुला भर रहे थे, इसका विरोध करो, इसको नहीं भरना है, नई बॉडी जब आएगी हम इसको आपको रद्द करके देंगे और इसका रेट आपको कम करके देंगे, जैसे आपको पुरानी जो टैक्स है, रेटेबल वैल्यू है, उससे भी कम होके मिलेगी। कैपिटल वैल्यू ठीक है, टैक्स एक आगे के फ्यूचर के लिए अच्छा है, जो भी रेंटल बेसिस के हमारे शहर में मल्टीनेशनल कंपनियां आती है उनके लिए अच्छा है, पर उसका रेट बहुत हाई था, उसके ऊपर जो 6 साल की रिकवरी थी, उससे ऊपर जो जो एरिया भरा के उससे टैक्स वसूली जा रही थी, जो दुगना और तिगना हो रहा था, वो बहुत गलत था। तो हमने लोगों को कह दिया था, बिंदास इसको भरने का नहीं है, इसका विरोध करो। अधिकारी कमिश्नर हमको फोन करते थे, आप लोगों को बोलते हो मत भरो, आपके ऊपर 353 के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, आप शासन के हस्तक्षेप कर रहे हो। तो हमने बोला हमें किसी बात की परवाह नहीं, क्योंकि हमें मालूम था, हमने गवर्नमेंट से डिमांड की थी, हमने हमारी जो पूर्व महापौर थी लीले भाईशान, जो TOK की मदद से महापौर बनी थी, हमने उनको आग्रह किया था कि अभी शिंदे साहब की सरकार है, शिंदे साहब और आपके संबंध अच्छे हैं, वो महाराष्ट्र के पहले थाना डिस्ट्रिक्ट के मुख्यमंत्री बने हैं, तो उल्लासनगर का सबसे ज्यादा फायदा होना चाहिए, उल्लासनगर थाना डिस्ट्रिक्ट में आता है, उनके लोकसभा क्षेत्र में आता है, तो उनसे हमने गुहार लगाई थी, उन्होंने पत्र व्यवहार किया था, और आज कैपिटल वैल्यू टैक्स को, बांडवली कर को स्टे आया है, भविष्य में इसको पूरी तरह से जो हाउस बनेगा उसके सामने लाया जाएगा, और जो भी रेट्स हैं, जो भी पुरानी रिकवरी है, उन सबको रद्द करके एक नई आकार की टैक्स हम उल्लासनगर महानगर पालिका के सामने रखेंगे, जनता के सामने रखेंगे, जो पुराने रेटेबल वैल्यू टैक्स से भी लगभग आधी होगी। इसमें एक बात और, माजी महापौर इन्होंने किया, देखिए पहले भी मैंने कहा था कि किसी भी चीज का क्रेडिट डिस्क्रेडिट नहीं, शहर को राहत मिलनी चाहिए, शहर वासियों को पता ही नहीं था कि कैपिटल वैल्यू टैक्स क्या होता है। जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्षा पंचम कलानी, उल्लासनगर ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष सुमित चक्रवर्ती, राजेश टेकचंदानी, इन सभी उन्होंने मिलकर जब पत्रकार परिषद दी, जब लोगों को जागरूक किया कि जब आप लोग बहुत कड़ा विरोध करना चाहिए, शहरवासियों ने ऑब्जेक्शन लेने चाहिए, ऑब्जेक्शन के फॉर्म गए, व्यापारियों ने सड़कों पर उतरने की तैयारी की, सभी NGOs एक मंच पर आ गए, सड़कों पर उतर पड़े, सभी लोगों ने अपने साइन के अभियान चालू किया, NGOs ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ने एक विरोध किया, हमने लोगों को कहा कि टैक्स मत भरो, टैक्स भरना बंद कर दो। जब इस शहर के मनपा की तिजोरी में पैसे आने बंद हो गए, उस वक्त पर मनपा प्रशासन जागरूक हो गया, और उस वक्त पर हमको लोगों ने कहना चालू किया, हम लोगों को कहने लगे कि ये टैक्स भरना बंद कर दो, तो प्रशासन जाग उठा, कमिश्नर जाग उठे कि आखिर मनपा की तिजोरी में पैसे क्यों नहीं आ रहे, हमने रोक के रखा लोगों को। और उस वक्त पर हमने महापौर लीलाताई आशान, पूर्व महापौर लीलाताई आशान और राज्य के मुख्यमंत्री और खासदार साहब से गुहार लगाई कि कैपिटल वैल्यू टैक्स को रद्द किया जाए, पर एक बहुत अच्छा निर्णय आया है। मैं बताने में मुझे खुशी हो रही है कि जो 4 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक लगी थी, उस बैठक में अरुण आशान के तौर पर वहां पर मौजूद थे प्रतिनिधि उल्लासनगर के, और वहां पर ही एक अच्छा निर्णय तुरंत आदेश किया खासदार ने, और सभी इस बैठक में आदेश लेने के बाद वहां पर निर्णय दिया गया कि कैपिटल वैल्यू टैक्स को स्टे दिया है, पर पूरी तरीके से रद्द नहीं किया गया है, पर स्टे दिया, शहर के नागरिकों को राहत मिली है। मैं इस निर्णय का कलानी परिवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं कि बहुत अच्छा निर्णय दिया है, और निर्णय देने के लिए मैं और एक बार, मेरे मन में एक खंत है कि कैपिटल वैल्यू टैक्स के ऊपर स्टे तो आ गया, पर कोलोब्रो कंपनी के ठेके को कब रद्द किया जाएगा,
वो ठेका जो पंचम कलानी ने महासभा में रद्द किया गया है, वो टेंडर को रद्द करने के आदेश दिए, पर वो आज भी हमारे शहर के नागरिकों के घरों में घुसकर जबरदस्ती प्राइवेट लोग घुसकर वहां पर मौज माप कर रहे। क्या हमारे शहर के नागरिक चोर नजर आ रहे? क्या हमारे शहर के नागरिक रहने वाले व्यापारी चोर नजर आ रहे? ये भी रद्द करने के लिए फिर एक बार गुहार लगाएंगे राज्य के मुख्यमंत्री से कि आपने अब तक एक काम किया खासदार साहब कि हमारे कैपिटल वैल्यू टैक्स को स्टे दिया, पर बहुत बड़ा संकट है कि प्राइवेट आदमी हमारे घरों में घुस रहे हैं, व्यापारियों की दुकानों में जबरदस्ती कर रहे हैं, व्यापारियों के साथ में जबरदस्ती करके उनके प्रॉपर्टी के मौज माप कर रहे हैं। मौज माप करने चाहिए पर प्रशासन के अधिकारी जाने चाहिए। हमारे नागरिक चोर नहीं है, हमारे शहर के व्यापारी चोर नहीं है, हमारे शहर के व्यापारियों को जानबूझकर चोर ठहराकर कोलब्रो कंपनी के जो लोग हैं हमारे घरों में घुस रहे हैं, हमारी दुकानों में घुस रहे हैं, वो ठेका रद्द किया जाए और राज्य के मुख्यमंत्री से गुहार लगाएंगे। ये सिर्फ अंगड़ाई है, लड़ाई अभी बाकी है। असं म्हणतात लग्न गाठी ह्या स्वर्गातच बांधलेल्या असतात, भगवंताची कृपा आणि नशिबाची साथ मिळते आणि हे सुंदर नाते आयुष्यभरासाठी टिकते। सप्तपदीच्या या प्रवासात एकमेकांसोबत हे दाम्पत्य प्रपंचाची वाट चालू लागतात, पण याच लग्न गाठी सुटू लागल्या तर अवघ्या आयुष्यभरासाठी वचनबद्ध झालेले हे नाते घटस्फोटासारख्या दाहक ते जळू लागले तर तुमच्या दैनंदिन जीवनात येणाऱ्या प्रत्येक महत्त्वाच्या टप्प्यावर आम्ही तुमच्या सोबत आहोत। विवाह समस्या, घटस्फोट, विवाह न जमणे, वधूवर मिलन, आर्थिक चणचण, मूल न होणं, शिक्षण, व्यापार, कर्ज, गृहक्लेश, विवाहात येणारे अडथळे, शत्रुपिढा, व्यापार, नोकरी आणि नोकरीमधले अडथळे, या व अशा अनेक गोष्टींवरील उत्तरे व त्यावरील सर्वोत्तम उपाय हवे असल्यास फक्त एकच फोन करा भारतातील सर्वात फेमस ज्योतिषकार जोशी गुरुजी यांना। पत्रिका व कुंडली यांचे अचूक अंदाज तसेच ग्रह नक्षत्रे विषयांवरील गाढा अभ्यास असल्याने तुम्हाला मिळतील तुमच्या अडचणींवर सर्वात प्रभावी उपाय। जोशी गुरुजी विवाह समस्या तज्ञ असून यांनी अनेक विवाह जमवले आहेत, तसेच कोणत्या व्यक्तीस कोणत्या काळात व कोणत्या कारणासाठी एखादे ग्रहाचे रत्न द्यायचे अथवा खडा द्यायचा याचे योग्य मार्गदर्शन इथे केले जाईल। तसेच ही मंतरलेली अस्सल भाग्यरत्ने सर्टिफिकेट सकट तुमच्या ॲड्रेसवर कुरिअर देखील केली जातील। अजून एक विशेष म्हणजे खास ब्राह्मण वधूवर सूचक संस्था तेही पूर्णपणे ऑनलाईन ती इथे राबवली जाते। पवित्र बंधन, इथे जुळते जन्मांचे नाते, नवीन व पुनर्विवाह अशी सर्व ब्राह्मण स्थळे उपलब्ध आहेत, तेव्हा आत्ताच पवित्र बंधनला कॉल करून तुमचे नाव रजिस्टर करा। शिवाय www.pavitrabandhanindia.in या आमच्या वेबसाईटलाही भेट द्या, संपूर्ण ऑनलाईन सेवा, तेव्हा आत्ताच कॉल करायला विसरू नका। एक कॉल बदलेल तुमचे जीवन।